हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हसनैन अमन। और आज मैं आप लोगों को यूट्यूब पे प्लेलिस्ट किस तरह बनती है वो बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट का। तो मैं चली जाती हूँ प्लेलिस्ट पे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्योंकि मेरा पुराना चैनल है। अगर आप लोगों का न्यू चैनल है तो मे बी आप लोगों के पास प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अपनी वीडियोस पे जाएंगे। वीडियोस पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक रिसेंट वीडियो अपलोड करी थी ट्रेवल के नाम से। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रेवल के नाम से मेरी एक न्यू प्लेलिस्ट बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाऊंगी और उसके बाद सेव टू प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दूंगी। सेव टू प्लेलिस्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो डालनी है, पर मुझे यहाँ पे अभी एक न्यू प्लेलिस्ट बनानी है। तो उसके लिए मैं न्यू प्लेलिस्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं अपनी प्लेलिस्ट का नाम दे देती हूँ ट्रेवल के नाम से। और इसके बाद मैं इसकी प्राइवेसी चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ पब्लिक पे और इसको मैं कर देती हूँ क्रिएट पे। मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया है तो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग के ऊपर मेरे पास ट्रेवल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई आ गई है। अब मैं क्या करूंगी, वीडियोस में दोबारा जाऊंगी और आप लोगों को यहाँ से अपनी कोई भी वीडियोस जिस जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आपने अपनी प्लेलिस्ट का नाम रखा है, वो वाली वीडियो आप इजीली अपने उस प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये गुजरात वाली जो ट्रेवल वाली वीडियो है ये भी मेरी उस ट्रेवल में आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाऊंगी, सेव टू प्लेलिस्ट और उसके बाद ट्रेवल पे क्लिक करूंगी और इसको डन करूंगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मेरे पास इसमें ये गुजरात वाली वीडियो भी आ गई है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा कि प्लेलिस्ट किस तरह बनती है।